मुख्यमंत्री गहलोत का किसानों के हित में संवेदनशील निर्णय। ऊर्जा विभाग ने बढ़ाए कुसुम ए योजना की अवधि, अब 28 फरवरी तक हो सकेगी विद्युत क्रय अनुबंध। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इसे लेकर घोषणा की है। प्रोजेक्ट सिक्योरिटी भी 28 फरवरी तक अब जमा करा सकेंगे। ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने पिछले दिनों बैंकर्स के साथ इसे लेकर मीटिंग की थी। योजना में बिना कोलेट्रल ऋण देने पर सहमति बनी थी। बंजर व अनुपजाऊ भूमि पर आधे से 2 KV तक के संयंत्र लगेंगे। 25 साल तक डिस्कॉम्स खरीदेंगे सोलर संयंत्रों से पैदा होने वाली बिजली भी। तो ये एक बड़ा फैसला, संवेदनशील फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है। किसानों के हित में है ये संवेदनशील निर्णय। ऊर्जा विभाग ने बढ़ाई कुसुम योजना की अवधि, अब 28 फरवरी तक विद्युत क्रय अनुबंध हो सकेंगे। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इसे लेकर घोषणा की है। प्रोजेक्ट सिक्योरिटी भी 28 फरवरी तक अब जमा करा सकेंगे। ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने पिछले दिनों बैंकर्स के साथ इसे लेकर मीटिंग की थी। योजना में बिना कोलेट्रल ऋण देने पर सहमति बनी थी इस मीटिंग के दौरान। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, एक बड़ा संवेदनशील निर्णय कह सकते हैं इसे किसानों के हित में, जहां अब इस योजना की अवधि को बढ़ाया गया है। देखिए, किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजना थी कुसुम ए योजना का कंपोनेंट था, जिसके अंदर इस योजना के अंदर किसानों को लेकर के ये दिक्कत आ रही थी कि जो बैंक है वो अपना जो ऋण है वो नहीं दे पा रहे थे। उसको लेकर के कुछ ही दिनों पहले अभी सहमति बनी है बैंकों के साथ में। उसके बाद अब जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पूरा मामला गया, उन्होंने कुसुम ए योजना की कंपोनेंट की जो समयावधि है विद्युत अनुबंध की जो समय अवधि उसको 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। 28 फरवरी तक सिक्योरिटी प्रोजेक्ट सिक्योरिटी के रूप में जमा करा सके किसान, जो बड़ी राहत मानी जा रही है किसानों के लिहाज से। चलिए, शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए।